नमस्कार मेरे दोस्तों, ये देखिए TFT MTK मॉड्यूल V3.5। ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल है ये। देखिए इसमें FRP रीसेट, ठीक है, और काफ़ी हमारे इसमें है फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP रीसेट, साथ में हो जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं करने। तो ये MTK के फ़ोन, सभी MTK के फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। मैंने अभी इसमें यूज़ नहीं किया है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो दोस्तों, अगर आप इस टूल को यूज़ करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, लेटेस्ट और पुराने भी। तो ये 5G जो फ़ोन आ रहे हैं वो भी है इसके अंदर। ये देखिए इतने सारे मॉडल हैं ओप्पो के, A15, A1K, ठीक है। MTK के काफ़ी मॉडल जो है, बहुत जल्दी इनका क्रैक है, MTK के फ़ोन जो है अनलॉक हो जाते हैं, पर क्वालकॉम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, और इसमें ओप्पो, रियलमी, वीवो, सैमसंग भी है, तो काफ़ी फ़ोन सपोर्टेड है ये। एक फ़ायदा ये है इसका कि हम अगर SP फ्लैश टूल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा, देखो SP फ्लैश टूल में क्या होता था MTK का फ़ोन को फॉर्मेट करने के लिए, अब तो बहुत ही कम है। और अच्छे अच्छे जो है हमारे भाइयों ने हमारी हमारे जो है प्रॉब्लम दूर करने के लिए इतने अच्छे अच्छे टूल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम फ्री में फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं, दो पैसे बचा सकते हैं और दो पैसे कमा भी सकते हैं। ठीक है, हम कमाते भी हैं। देखो, मैं पेड टूल यूज़ नहीं करता हूँ, पेड पैसे देके अगर कोई कभी ऐसा होता करवाना पड़ता है तो फिर मैं फ्री टूल ज़्यादातर यूज़ ही करता हूँ। तो उन भाइयों का धन्यवाद मेरा जो है ये टूल हमारे लिए बनाते हैं और सभी के लिए ये काम आता है। ठीक है, दो पैसे किसी भाई के बच जाएँ तो अच्छी बात है, वैसे भी कोरोना आने के बाद सबकी हालत डाउन ही है। ये देखिए, इसमें सैमसंग के इतने सारे मॉडल दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पहले मेरी वीडियो पूरी देखा करो, उसके बाद ट्राई करे करो, क्योंकि आप फालतू फंड के वीडियो देखते हो तो उसमें भी तो पूरी वीडियो देखते हो, ये काम की वीडियो है, आप पैसे कमाओगे और बचाओगे भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फालतू की वीडियो है जो भी है, ये भी नहीं है कि जबरदस्ती कि आप देखो। ठीक है, पर ऐसा होता है कि हम बोलते इसलिए हैं इसके अंदर कि आपको कुछ जान पाओ, ठीक है, जो है कभी गलती ना करो। ठीक है, कभी कर कहते हैं ना, और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कर हमने वन क्लिक करा ये हो जाता, पर ऐसा रिजल्ट तो मेरे ख्याल से इसका होगा नहीं। और SP फ्लैश टूल में था फॉर्मेट डाटा, अगर आपने गलत डाल दिया तो हमारा फ़ोन डेड हो जाता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो ये दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप यूज़ करते हो, कोई फ़ोन अनलॉक होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। ठीक है भाइयों, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, ये V3.5 है, काफ़ी अच्छा टूल है, इसे यूज़ करना। और अनफ्री टूल में काफ़ी जो है ये भी है, मिरेकल थंडर भी है 2.82, कुछ टूल ऐसे हैं जो है काफ़ी अच्छे काम करते हैं हमारे जो है। और आप अपने जो है लैपटॉप में यूज़ करें, ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है दोस्तों, ड्राइवर इंस्टॉल करना मत भूलना MTK का। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, ये देखिए कितने सारे फंक्शन हैं इसके अंदर। जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ क्या काम आएगी। ठीक है, तो फ्लैशिंग भी है, हम फ्लैश भी कर सकते हैं यहीं से, हम फ्लैश भी कर सकते हैं। बैकअप का भी ऑप्शन है इसके अंदर, आप बैकअप फाइल अपनी बैकअप कर सकते हो, कभी जो है आपके फ़ोन में कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो आप अपना बैकअप लेके दोबारा से वो कर सकते हो। पर ये कैसे कैसे होगा, जब मेरे पास कोई फ़ोन आएगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा और जो है वीडियो बना के आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, और कितने, मुझे भी नहीं पता अब तक कि क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, क्या क्या है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करा है। मेरे पास कम ही सेट आते हैं इन सब चीज़ों के लिए, पर ये टूल मुझे बेस्ट लगा तो मैंने कर लिया है, और आप भी यूज़ करना। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे डाउनलोड होगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, फिर ये कहते हैं एड स्किप वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आप डायरेक्ट डाउनलोड करना। और ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है, बहुत छोटा टूल है। ठीक है, 20 MB 20 MB
इतना बड़ा टूल नहीं है कि आपको जीबी में खर्च करना पड़े 1 GB 500 MB। और दोस्तों एंटीवायरस ऑफ करना ना भूलें, ये जरूर ध्यान रखें आप, एंटीवायरस ऑफ मत ऑफ करना, ठीक है, ऑफ कर देना एंटीवायरस को। बहुत बार ऐसा होता है हम एंटीवायरस जो है ऑन करके हम यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इससे, तो आप एंटीवायरस ऑफ करके अपना जो है मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर वगैरह अनलॉकिंग वगैरह तब क्या करो, क्योंकि हमारी कुछ फाइलें करप्ट कर देता है एंटीवायरस, ठीक है, क्योंकि कभी कभार आपको एंटीवायरस जो है नोटिफिकेशन देने लगता है अगर हमारे जो है वायरस होता है फाइल के अंदर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसे यूज़ करके ज़रूर बताना अगर आप डाउनलोड करते हो तो, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है डाउनलोड हो गया, आगे हमें करना क्या है कैसे करना है ये भी देखिए, हम जो है ओपन करते हैं इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, अगर आप अनलॉक करते हो तो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले इसको, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये हम जो जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ये हमने जो है अपना डाउनलोड से निकाल के मैंने अपना डी ड्राइव में कॉपी कर लिया है, जिससे कि मैं अपने अलग से रख सकूँ। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, ये पासवर्ड दोस्तों कॉपी कर लेना आप, ठीक है, TFT है, आप याद भी रख सकते हो कैपिटल में TFT, ठीक है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपना जो है ये टूल ओपन करना, इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना और MTK ड्राइव इंस्टॉल, यहाँ हम जो है कॉपी कर देते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था, या आप टाइप भी कर सकते हो। और ड्राइवर करना, ये ड्राइवर इंस्टॉल करना मत बोलना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ये टूल है तो दोस्तों ये टूल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके डायरेक्ट जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बहुत से पासवर्ड इतना लगा देते हैं, प्रॉब्लम होती है सबको, ये मैंने भी जो है मैंने खुद ने जो है वो नहीं करा है, मैंने लिंक लिया है कहीं से, तो जो है मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे ये टूल ठीक लगा, और जो है पासवर्ड भी इसके अंदर नहीं है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो और दोस्तों अब फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना कि ये जो है टूल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है ओप्पो रेनो वगैरह बहुत सारे हुए हैं, तो ये हमारा जो है इंस्टॉल हो गया, अब इसे ओपन करते हैं। और एंटीवायरस ऑफ करना मत भूलना, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इशू आता है फिर, ठीक है। ये देखो मैंने एंटीवायरस ऑफ कर रखा है, तो हमारा टूल ओपन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने शुरू से आपको डाउनलोड करके वीडियो इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि थोड़ा इशू आ रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए मैंने जो है पहले ओपन करके आपको टूल दिखा दिया। हाँ भाई, इसके अंदर इतने सारे मॉडल हैं जिससे कि हम ना चाहते हुए भी डाउनलोड कर लेंगे, और 20 MB का ओनली, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।